Kamu dari sana? Iya. Datang nih. Mau endorse kan? Hi guys, this is another morning in Nusa Penida. ये आज का दिन है हमारे पास यहाँ पे घूमने के लिए. आज हम यहाँ पे सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स कवर करने वाले. हमारे यहाँ से हमारी लोकेशन से ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स लाइक लगा लो एक घंटा ही लग जाएगा. हमें ब्रेकफास्ट भी करना है. रात को हम खाना खाकर सो गए थे. हम गए थे बॉलीवुड कुजीन. बाली में कहीं पे भी खाना खाना हो जस्ट सर्च फॉर बॉलीवुड कुजीन, तुम्हें इंडियन खाना बहुत अच्छा मिलेगा. आज मौसम फुल ऑन धूप निकल हुई है. अभी सुबह के 10 बज रहे हैं ना. हमारा जो प्लान है वो थोड़ा सा ऑफ ही चल रहा है क्योंकि हमने सोचा था शायद जल्दी जाएंगे अर्ली मॉर्निंग. पर अर्ली मॉर्निंग बताओ उठ ही नहीं पाते हो यार, इतने थक जाते हो. लोग बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग जाओ, बट अर्ली मॉर्निंग इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि आप बहुत थके हो जो आप जल्दी नहीं उठ पाओगे यार. अगर आप में हिम्मत है आप शायद उड़ जाओ, पर इतना वो ईजी नहीं है. बताते हैं बेसिकली जो शॉर्ट में आइटनरीज आती हैं, फर्स्ट डे ये करो, सेकंड डे ये करो, थर्ड डे ये करो और चार डे ये करो, फर्स्ट डे फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाओ, ऐसा नहीं होता है. उनके ऊपर कभी ट्रस्ट मत करो भाई, वो चीज़ें वैसी नहीं होती हैं. वो सिर्फ रील कॉन्टेंट बनाने के लिए, शॉर्ट कॉन्टेंट बनाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट आइटनरीज ऐसे नहीं चलती हैं कि टक 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 टक. यू हैव टू मेंटेन अ ब्रेक, रेस्ट डालनी पड़ती है, फिर ही हो सकता है. आज इतनी गर्मी है कि हमने अपनी बाजू में काली करने का पूरा ठेका ले लिया. दो बार सबके लगा लिए इस बंदे ने बाजू पे, और मैंने नहीं लगाई है काली, मेरी बाजू में है. तुम्हारा जो नेचुरल रंग है ना वो बहुत पक्का है, तुम जल्दी डीटैन हो जाओगे. मेरे जैसे बंदे जल्दी डीटैन नहीं होते हैं. हमें लगता है टाइम डीटैन होने में, और हमें पैसे भी ज़्यादा लगते हैं डीटैन होने में. हेलो डल रहा है पेट्रोल, जो कि हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म था. थैंक गॉड हमें यहाँ पे पेट्रोल पम्प मिल गया. ये चल ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से रेंग रेंग के लाई है हमने यहाँ तक. एंड यहाँ पे भी पेट्रोल काफ़ी सस्ता है, 100 रुपये का 2 लीटर खाली टैंकी है. वही तो रेंग रेंग के लाए हैं, छोटी हालत देखो, हालत देखो. यहाँ पे करवा रहे हैं मनी चेंज, और यहाँ पे प्राइस चल रहा है 15,625, और उबुल्ट में आई थिंक 15,800 समथिंग था. शायद यहाँ पे इसलिए फ़र्क है क्योंकि ये आइलैंड अलग है, यहाँ तो रेट गिर चुका है. दोनों में से एक चीज़ है, पता नहीं है वो क्या है. यहाँ पे देखो इन्होंने शॉप के आगे भी ये चीज़ पूजा करके सुबह सुबह रख देते हैं हर, मतलब हमारे होटल में भी थी और अभी पेट्रोल पंप के बाहर हर जगह, मतलब आपको ये छोटे को दिख जाएंगे. तो जैसे हम लोग पूजा करते हैं वैसे ये लोग छोटे छोटे फ्लावर्स डाल के और वो अगरबत्ती डाल के. एंड डॉगू देख लो यहाँ के, डॉगू बेचारे सूखे हुए हैं. उबुड वाले ना, उबुड वाले पोमेरियन टाइप लग रहे थे, छोटे छोटे से बाल इतने क्यूट थे. मोटू जी ने पैसे पकड़ लिए हैं, पैसा हो गया. अब पहले खाली हो चुके थे, कल रात को बहुत कुछ हो गया. रात को तो इन्होंने पर्स अपना छोड़ दिया रूम में, हम चले गए डिनर करने. डिनर कर लिया? ना ना ना, ना मैं बताता हूँ. कल सबसे बड़ी कलोल हुई है मेरी साथ जिंदगी की. हम डिनर विनर खा के रेस्टोरेंट में मस्त बैठे हैं, अरे बिल मंगाता हूँ मैं ऐसे पर्स खोल के देखता हूँ, अरे पर्स ही नहीं है इसके अंदर, पर्स है रूम पे. फिर एक कलोल क्या होती है, जो हमने स्कूटी ली थी उसका ये वाला लॉक बंद हो जाता है और वो चाबी के बैक साइड वाला लॉक है ही नहीं. रात को 10 बजे मैं स्कूटी के साथ झूंझ रहा हूँ, फिर कैसे भी करके मैं पहुँचा रूम पे, फिर लेकर आया वहाँ से वॉलेट, पेमेंट दी. बंदा तो कह रहा था गूगल पे आने लगा, तब भी बंद हो गया. तब ये फिर से लॉक हो गया. गूगल पे कर दो, मतलब उसके बॉस इंडिया वाले बॉस के नंबर पे गूगल पे कर देते, वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज बता रहा था. पर रूम पास में था, मैंने कहा मिल ले आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. तो उसने भी उसको भी कुछ स्कूटी तो लड़के की लेके आए ना, वो भी हाँ. फिर जिसका रूम था उससे दूसरी स्कूटी मैंने उसे बोला मैं ये वाली स्कूटी नहीं लूँगा, मैं रिस्क नहीं ले सकता. उसने मेरे को अपनी स्कूटी दी रात को, कहता ये ले जा. ये बंदे ने विश्वास के लिए मुझे छोड़ के आया वहाँ रेस्टोरेंट में. मैं आधा पौना घंटा वहाँ बैठी हूँ ताकि उनको विश्वास रहे कि हम इनका पैसा खाने नहीं वाले, हम लेने गए हैं पैसा. ये है यहाँ की स्ट्रीट्स,
बहुत छोटी छोटी हैं। ये इनका मेन रोड है मतलब हाईवे है इनका। ये हाईवे है। तो अब हम आ चुके हैं बॉलीवुड इंडियन कुजीन। दिस इज हाउ इट लुक्स। आलू पराठा। मैंने मंगाई है एक नमकीन लस्सी, बटर मिल्क, आलू वाले नान, नान ही बोलेंगे हम, आलू कुलचा, एंड दही आया, अचार मंगाया और मैडम ने चाय। Let me give a taste test। तो खाना खाने के बाद हम जा रहे हैं कैलिंगिंग बीच। यहाँ पे रोड बहुत छोटी है यार, और स्कूटी आज बहुत अच्छी नहीं है हमारी। बस ये हमारे साथ दे दे आज, इतना ही काम हुआ। चलो वी आर एट कैलिंगिंग बीच एंड पॉइंट। यहाँ पे हम अकेले नहीं हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं। यहाँ पे हम बिल्कुल लोगों के साथ हैं। मुझे लगा कि दोपहर को रश कम हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे हिसाब तो ऐसे जैसे यहाँ पे मेला लगा हुआ आगे। तो अभी ऊपर जा रहे हैं, बट यहाँ पे रश इतना ज़्यादा है ना कि क्या फिर जाऊँ। क्या करने आए हम यहाँ पे? बस यहाँ पे फोटो खिंचाने। गूगल पे सही नहीं आएगी, टांगे टूट जाएंगी। हेलो न्याओ 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 This is Kelinking Point. Okay. Not too much good, but it's good if there is no one here. मुझे बहुत बुरा चलने वाला। तो भाई यहाँ पे हम Kelinking Beach पे हैं, but the situation is right. Hell, बहुत सारे लोग हैं। You can't even click a photo. बहुत ही मुश्किल है। आई थिंक सुबह सुबह आना इज बेटर, बट द व्यू इज़ वर्थ इट, बट इट्स नॉट वर्थ दिस लाइक क्राउड इज ऑल्सो वेरी मच। और यहाँ से पूरा इन्फिनाइट सी दिखता है और इन्फिनाइट ओशन दिखता है। द ब्लू वाटर, इससे ब्लू ज़्यादा अच्छा मतलब गिली में अच्छा ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करवाते हो। नीचे जाना बहुत टफ है, लाइक बहुत स्टीप है नीचे तक, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू गो देयर। बाकी यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। कितने घंटे की बोट राइड? 4 घंटे ना, सुनो मैं बताता हूँ। 8 घंटे का फ्लाइट, 4 घंटे के आसपास की बोट राइड, 1 घंटे की स्कूटी राइड, और मिलता क्या है यहाँ पे आके? पे 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 बैकग्राउंड म्यूजिक पे, पे। यार इतना भी खूबसूरत नहीं लग रहा है, मतलब ठीक है, इतना नहीं है कुछ हमारा। एडवेंचर करना गिली जाओ भाई, नो प्रॉब्लम। ब्यूटी ब्यूटी लाइक यहाँ पे स्नॉर्कलिंग इज लाइक स्कैम। स्नॉर्कलिंग के नाम पे आपको बीच के पास बस वो मेंटा रे वो भी कभी कभी मिलती है। हाँ वो भी मिलेगी नहीं भाई, वहाँ पे स्पॉट्स है ना गिली में। गिली में इज़ वेरी सेफ और वेरी प्रॉपर स्पॉट्स है, काफ़ी अच्छा पूरा दिन निकल जाता है। भाई देखो 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 बिजनेस देखो यहाँ पे क्या है। बंदे ने एक छोटी सी लकड़ी रख रखी है, मतलब एक जगह बनाई है, एंड ही इज चार्जिंग अराउंड 100 रुपीज फॉर वन क्लिक वन पर्सन फॉर वन मिनट। 100 रुपीज वन फोटो, वो भी अपने फोन से खींचनी है, वहाँ पे सिर्फ खड़े होने के पैसे देने हैं। बाली में लोग बोलते हैं सस्ता सस्ता नहीं है यार, यहाँ पे उन चीज़ों के भी पैसे देने पड़ते हैं जिन चीज़ों के आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। पार्किंग दे रहे हैं, पार्किंग अलग, ठीक है, फिर एंट्री अलग, फिर एंट्री के बाद अंदर आने के बाद भी कुछ चीज़ें अगर आप देखें उसके अलग, फिर वहाँ पे अगर आपको फ़ोटो खिंचानी है उसके लिए आपको अलग, फिर वॉशरूम आ गया अंदर जगह पे, तो वहाँ पे भी आपको चार्ज देना भाई पैसे देने हैं। मतलब इट्स अ मिथ, वेरी बिग मिथ। हाँ वही थोड़े लोग बड़ी गरीबी है,
कुछ नहीं, कुछ गरीबी नहीं है भाई। उन्होंने अपनी करेंसी बहुत अच्छे मेंटेन की है। इनका सबसे बड़ा करेंसी वही 1 लाख का नोट है और सारी चीज़ें 1 लाख के नोट के अंदर अंदर ऑलमोस्ट सारी घरेलू चीज़ें आ जाती हैं, विच इज़ वेरी गुड इकोनॉमिक इंडिकेटर। जैसे हमारे इंडिया में 500 रुपये के नोट के अंदर एक इंसान अपना गुसर बसर एक दिन का कर सकता है। मतलब ओवर इन्फ्लेटेड होती तो मतलब ऐसा होता कि ओवर इन्फ्लेशन का मतलब छोड़ो यार, साइंस बोलते हैं, साइंस है, फाइनेंस क्लास बन जाएगी। तो ये है ब्रोकन बीच के ब्रोकन रास्ते, हम कैसे टूटे दिलों के लिए। मैं सच्ची बोल रहा हूँ यार, नूसा पे नहीं जाना, डे ट्रिप ही करो, डे ट्रिप ही ना ही करो। ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि एक स्टे मारो, दो स्टे मारो, अनसीन चीजें देखो, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, ऑफ बीट डेस्टिनेशन जाओ। नूसा पनीटा में भाई ऐसा कुछ हिम्मत सही है। मैं तुम्हें सीधी सी बात बताऊं, ये आइलैंड है खतरनाक। खतरनाक क्यों है? क्योंकि बंदा कोई नहीं है और स्कूटियां ऐसी हैं, पानी भी एक पानी की तरह पेट्रोल पी रही हैं। अभी 2 लीटर तेल डाला था, दिखाया था मैंने व्लॉग में, और ये खत्म ही नहीं, मतलब खत्म क्या, अभी खत्म हो गया यार। वही खाली हमारी, हमने 2 लीटर डलवाया था उबुड में, वो जो यहाँ माँ की स्कूटी ली थी, 2 लीटर डाला था, वो खत्म ही नहीं हुआ भाई। 2 दिन चलाई स्कूटी तब भी जाके खत्म नहीं हुआ उसमें, मतलब 1-2 डंडे गिरे थे। ये पूरी फुल से लेके एमटी पे आ गई है। अरे मुझे ये बताओ हम करने क्या जा रहे हैं यहाँ, क्या कर रहे हैं जैसे टूटे रोडों में इतनी तपती धूप में, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं यार, फंसे हुए आए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि बस चलो आए हैं तो ये देख ही लेते हैं, छोड़ना क्यों है। देखो चीजें तो देखने वाली भाई, ना हमारे पीछे है कोई, ना हमारे कोई आगे है, चीजें तो देखने वाली हैं, बट ये ऐसा है कि बस जाओ फोटो खींचो आ जाओ, कोई फील नहीं, फील फूल नहीं है कुछ भी, ऐसे फोटो खींचने के लिए सही है। ऊपर से यहाँ पे बाली के लोग ना अपना सारा अंतिम क्रिया यहीं करते हैं, जो अमीर अमीर लोग हैं वो तो कर ही लेते हैं, और जो गरीब हैं बेचारे उनको भी इधर ही करना पड़ता है। ये देखो स्कूटी ने जान छोड़ दी है। सबसे अनडेवलप्ड एंड बेकार एंड सुनसान एरिया अगर आप कहें तो नूसा पनीटा इन इंडोनेशिया। इतनी खराब रोड पे स्कूटी चलाने के बाद वी आर एट ब्रोकन बीच, ना जाने ये कैसा है, पर मैं तो ये जानना चाहूँगा। भाई देखें क्या देखना है यहाँ पे, 2 मिनट पहले देखने तो दो। ओ ओला लाला हूँ। अच्छा ये है ब्रोकन बीच, ये है ब्रोकन बीच। बीच कहाँ है गाइस, दिस इज ब्रोकन बीच। फेक रिएक्शन, फेक रिएक्शन, बहुत मजा आ रहा है। वाओ कर, वाओ, ओ माय गॉड, मेरी टोपी उड़ गई है तो देख के, वेरी ब्यूटीफुल। देखिए देखिए हम आ चुके हैं, देखिए हम आ चुके हैं ब्रोकन बीच पर। यार ये जैसे ना ये ब्रोकन बीच है ना, ये देखो मुझे लगता है ऐसा होगा यहाँ पे ना स्पेसशिप उतरा होगा कभी, है ना। दिस इज व्हेन यू वॉच बियर बाइसेप्स। और देखो ना ये बीच में से लाइनें बनी है ना, वो तू आ जाओ बजा कहते पूछते हैं क्या आपको लगता है यहाँ पे कभी एलियंस आए होंगे। देखिए ये बीच में जो आपको लाइनें दिख रही हैं पत्थरों की, ये तू ऐसे उनके वो खराब हो गई होगी। हाँ यहाँ पे वो जेट इंजन लगे हुए हैं इसलिए बीच में लाइनें बन चुकी है। तो भैया हम ना जा रहे एंजल बिला लॉन्ग, नहीं जा रहे एंजल बिला बॉन्ग, हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि यार सेम है सब कुछ, कुछ नहीं है यार, नेटवर्क भी यहाँ पे बहुत बेकार है, कुछ नहीं आ रहा भाई, कुछ इससे बेटर गिली थी यार, नेटवर्क पे एकदम भाई। ये बंदा ना गिली को इतने गाली दे रहा था, मुझे गिली में इतना मजा आ रहा था ना, इस बंदे ने नहीं ऐसा है वैसा है दे दे, बट जितना गिली अच्छा था ना ये कुछ भी है, नूसा पनीटा इज लाइक बेकार। तो गाइस आई होप आपको ये सारी वीडियोस ना काफी अच्छी लगी होंगी,
एक्चुअली हमारा जो बाली का ट्रिप था वो एक हनीमून ट्रिप था, तो हम ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर वैसे तो हमने पूरी कोशिश की है सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की, पर फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें जो बाली में वो हमसे छूट चुकी हैं कि बाली एक बहुत बड़ी जगह है यार, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए और बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। मतलब एक महीना भी अगर आप बाली में रहो तो आप शायद बोर नहीं होगे क्योंकि काफ़ी चीज़ें करने के लिए। और नूसा पेनिडा हमें कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, आई थिंक गिली की वजह से ना हमारी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई चली गई थी और नूसा में हमें इतना मज़ा नहीं आया। इधर वे काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया आइटिनरी के लिए, तो ऐसा तो कोई सीन नहीं है, मैं आइटिनरी प्रिपेयर कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, एक वीडियो बना देंगे हम कि आइटिनरी कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए डिटेल में। जैसे भी हमने फ़्लाइट बुक की है, काफ़ी सस्ती फ़्लाइट हमने बुक कर ली थी बिकॉज हमने बहुत देर पहले बुक की है, लाइक 3 महीने पहले, तो वो कैसे करनी है वो भी सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, एक वीडियो मैं बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करोगे नीचे जाके कि वीडियो बनाने के लिए। फ़िलहाल ये हमारी एक मेरी तरफ से ये पहला ऐसा मेरा व्लॉग था लाइक इंटरनेशनल ट्रिप या एक पूरा ट्रैवल व्लॉग मैंने शूट किया अच्छे से, क्योंकि जनरली मैं मोटो व्लॉग शूट करता हूँ, मेरा ऐसा कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है ऐसे व्लॉग शूट करने में। मेरी अगर पुरानी वीडियोज़ देखोगे तो मैं लद्दाख वगैरह बाइक ट्रिप्स करता हूँ और बाइक पर ही ज़्यादा शूट करता हूँ, और उसी चीज़ों का मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे क्या दिखाना है। पर फिलहाल ये अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे लिए ट्रैवल ब्लॉग के लिए, आई होप फ्यूचर में और अच्छे ट्रैवल ब्लॉग्स बनेंगे और अच्छे मौके मिलेंगे मुझे जाने के लिए बाहर। तो मेक श्योर आप चैनल के साथ बने रहो, डोगरा फ्रॉम पर्वत। सेकंड चैनल जो हमारा है वो है मिडिल क्लास लग्जरी, यही वीडियोस मैं मिडिल क्लास लग्जरी पे डाल दूंगा क्योंकि वहाँ पे जो ऑडियंस है वो एक व्लॉग ऑडियंस है और मेरी ज़्यादातर मोटो व्लॉग की ऑडियंस है, तो मेक श्योर आप वो चैनल चेकआउट करें, वहाँ पे डेली व्लॉग्स अभी आते रहते हैं और काफ़ी शॉर्ट कंटेंट आता है, तो वो चैनल ज़रूर चेकआउट करना, मिडिल क्लास लग्जरी यहाँ पे मैं अभी मेंशन कर दे रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर से हमारे बैक टू अनदर कंटेंट जो हम मोटो व्लॉग्स बनाते हैं, और बाइक रिलेटेड कंटेंट भी आने वाले हैं आगे आगे। और मेरे को कुछ लोग पूछ रहे थे आपकी बाइक कहाँ है, तो बाइक हमारी जा चुकी है, हमने सेल कर दी थी अपनी पुरानी बाइक, तो नई बाइक का प्लान अभी चल रहा है। हिमालयन को लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ क्योंकि जिस हिसाब की न्यूज़ आ रही है ना बाइक को लेकर, काफ़ी इश्यूज़ हैं अभी बाइक में, तो मेरे को अभी ये कि मैं थोड़ा वेट कर लूँ और जब इशू रिजॉल्व हो जाए तभी मैं इस चीज़ के बारे में डिसीजन ले पाऊँ। फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि KTM 390 ड्यूक या हिमालयन 450 इन दोनों में से एक बाइक हम चूज़ करेंगे, और बहुत ही जल्दी हम बाइक पे वापस आने वाले हैं। तो मिलते हैं जल्दी, और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।